जय माता दी, वेलकम बैक टू सोनिका किचन। ये धनिया की चटनी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। पुदीने की चटनी खास इंग्रेडिएंट्स के साथ और ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोग से जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चटनी की, क्योंकि व्रत में हम लोग जो खाना खाते हैं हम सोचते हैं थोड़ा चटपटा खाना हो। ये खाने के साथ जब आप ये चटनी खाएंगे तो आपको बहुत स्वाद आएगा। तो आज मैं आपसे दो चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। एक ये मैंने धनिया लिया है और एक गड्डी मैंने पुदीने की ली है। हम धनिया की चटनी बनाएंगे, एक हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। ये सोच रहे होंगे कि पुदीने की चटनी में थोड़ी कड़वाहट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुदीने की चटनी आपको बहुत टेस्टी लगेगी, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेगी आपको। पुदीने की चटनी बार बार बना के खाएंगे। आप दोनों चटनियों की रेसिपी पूरी देखना विदाउट स्किप करते हुए। एक बाउल धनिया लिया है जिसे मैंने धोकर अच्छे से छानी में रख दिया था और धनिया जो है हमारा सूख गया है। मैंने एक गड्डी पुदीने की ली थी जिसे मैंने डंडियों से छील लिया था। मैं आपसे धनिया और पुदीने की चटनी की रेसिपी अलग अलग शेयर कर रही हूँ। यदि आप व्रत में पुदीना खाते हो तो आप इस चटनी को जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम धनिया की चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम धनिया को मोटा मोटा काट लेंगे। ये धनिया को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और जो धनिया में मोटी डंडियां थी उन्हें मैंने हटा दिया है। अच्छी पतली डंडियां होती हैं, उन्हें आप मत फेंका करें, उन्हें जरूर धनिया की चटनी में यूज किया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मोटी डंडियां हो उन्हें आप हटा दिया करें। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। व्रत में ये चटनियां आप जरूर बना के खाइएगा। ये मैंने चार हरी मिर्चें ली थी, इसे डाल देंगे। ये दो टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं, इसे डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नारियल बूरा डाल देंगे। इसमें एक बड़ी एक चम्मच इसमें पीनट ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले रोस्ट कर लिए थे और इसका छिकल उतार लिया था, तो इसे मैंने चटनी में ऐड किया है। अब इसमें दो नींबू का रस ऐड कर देंगे। चटनी आपको ज्यादा खट्टी खानी हो या कम खट्टी खानी हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच इसमें हम अमचूर ऐड कर देंगे। एक बड़ा चम्मच इसमें दही ऐड कर देंगे। एक चम्मच इसमें पानी ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, एक चम्मच। स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे। हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं किया है। यदि आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो इसमें रेड चिली पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी हमने पीस ली है और कितनी बढ़िया लग रही है एकदम, और कलर भी कितना सुंदर आया है। तो चटनी देखिए हमारी कितनी बढ़िया बनी है एकदम। इस चटनी में तीखापन भी आएगा और नारियल का टेस्ट आएगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई करें। अब इस चटनी को मैं अलग एक बाउल में डाल देती हूँ। अब मिक्सी में हम थोड़ा सा पानी डाल के चटनी के ऊपर डाल देंगे, तो एक साइड पे रख देंगे। अब आपको इंतजार होगा पुदीने की चटनी का, जिसमें कड़वाहट भी नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी भी होगी ये चटनी। देखिए पुदीने को भी मैंने मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे इमली का गूदा, जो कि हमने अच्छे से गूदे को छान के निकाल लिया था। पुदीने में मेन इंग्रेडिएंट ही इमली का गूदा है, इसको जरूर ऐड करिएगा। इसी से आपकी पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। एक बड़ी चम्मच इसमें दही डाल देंगे। इसमें अब हम दो हरी मिर्चें और दो लाल साबुत मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने जो दो साबुत लाल मिर्च ऐड करी हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो हल्का हल्का तीखापन आएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके अनुसार इसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे, यानी व्रत वाला नमक ऐड कर देंगे। ये मैंने दो चम्मच और इमली का गूदा लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। पुदीने की चटनी में मैं इमली का गूदा ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हैं तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली इतनी खट्टी होती है इसलिए मैंने इसमें खाली इमली का गूदा ही ऐड किया है। इसमें मैंने कोई अमचूर नहीं ऐड किया, ना ही पिसा हुआ अनारदाना ऐड किया है। चाहे तो इसमें पीनट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में पुदीने की चटनी बनती है, आज सेम रेसिपी मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है, क्योंकि दो साबुत लाल मिर्चें ऑलरेडी पहले से ऐड करी हैं, दो हरी मिर्चें ऐड करी हैं। आप मिर्चें कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसे अब हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए पुदीने की भी चटनी हमने पीस ली है। यदि आप पुदीना खाते हो व्रत में तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी पुदीना जो है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो आप इसकी चटनी जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमारी दोनों चटनियां हो गई एकदम तैयार, और ये है पुदीने की चटनी। और आप देख रहे होंगे कलर में भी कितना डिफरेंस है और थिकनेस में भी थोड़ा डिफरेंस है।
नवरात्रों में आप व्रत के साथ इन चटनियों का एंजॉय करिए। व्रत में आप ये दोनों चटनियां बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगी। और यदि पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। जय माता दी।